very warm welcome. I'm your host, Sirandha Shekhar. सेंट्रल इंडिया के मेजर बिजनेस हब में शामिल रायपुर में बिजनेस जगत के विकास पर देश का नंबर वन न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 लेकर आया है डायलॉग डिस्कशन एंड फेलिसिटेशन का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 बिजनेस छत्तीसगढ़ शेपिंग बिजनेस कनेक्शंस पावर्ड बाय रामा टीएमटी को पावर्ड बाय डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड छत्तीसगढ़ के बिजनेस सेक्टर से जुड़े तमाम जरूरी इश्यूज पर बातचीत के इस मंच पर आज बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शोभा बढ़ाएंगी इंडियन सिनेमा की एवर ग्रीन ब्यूटी भाग्यश्री न्यूज 18 बिजनेस छत्तीसगढ़ के आयोजन का हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के करेंट सिनारियो चैलेंजेस पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना Before we move towards our first session, I would like to take this opportunity to thank our partners. जी हाँ हम शुक्रगुजार हैं उन partners के जिनके सहयोग से News 18 Business छत्तीसगढ़ के इस आयोजन को साकार किया जा सका है News 18 Business छत्तीसगढ़ powered by Rama TMT, co-powered by Dr. C.V. Raman University and Reliance Industries. Associate Partner, Swiss Soul Systems and Services, OPC Private Limited. Associate Partner, Classic Group, Solar Partner, Swiss Soul Systems and Services, OPC Private Limited. Renewable Energy Partner, Icon Solar and Power Technologies Private Limited. Lifestyle Partners, Anupchand Tilokchand Jewelers and Sri Shivam. Education Partner, Maths University. Health Partner, We Care Hospital, Color Partner को thanks करना चाहूँगी Popular Paints है हमारे Color Partner. Partners है हमारे Bhilai Can Do Parvat Foundation, CA Chhattisgarh Divyang Cricket Association, PIHU, Pallav India Herbal United, Balco Medical Center, Sanjeevani Cancer Care Foundation, Vrinda Chest Clinic, Global One World, Jai Hind Agro, Dr. Gaurav Tripathi, ट्यूटर्स फैक्ट्री आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए और अपने वेलकम नोट से यहां मौजूद मेहमानों का स्वागत करें इस कार्यक्रम में न्यूज 18 के आप सभी का एक बार बहुत स्वागत करता हूं मैं छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न राज्य है बहुत सारी अलग अलग सेक्टर के सक्सेसफुल लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये तो सभी जानते हैं लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है ये न्यूज 18 के इस मंच के जरिए आप लोगों के विजन के जरिए सीधे पूरे प्रदेश और देश के साथ साथ न्यूज 18 के जो करोड़ों दर्शक हैं उन तक चीज़ें पहुंचती हैं और थोड़ी देर में ये मंच आप लोगों के हवाले है और उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से तमाम सेशन होंगे स्वागत है आप सभी हम अब अपने पहले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे पैनल डिस्कशन के लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हुए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही डॉक्टर पल्लवी पल्लव हर्बल इंडिया यूनाइटेड की डायरेक्टर हैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें इंजीनियर डी एस परिहार के डी ग्रुप ऑफ कंपनी से संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सो प्लीज कम ऑन स्टेज आधी आबादी से प्रतिनिधित्व कर रही हैं डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा आपने सक्सेसफुली जो अपनी कंपनी स्थापित की है पल्लव हर्बल इंडिया यूनाइटेड सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड तो मेरा सबसे आखिरी सेक्शन 8 कंपनी की शुरुआत हुई 2019 से वो मेरा मानना था तुंडे तुंडे मतुर भिन्ना तो अगर हम अपनी खुद की सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं को एक तक देती है सेक्शन 8 जो कि 2013 तक सेक्शन 25 कहलाती थी उसमें आप महिला अकेली एक अपना डायरेक्टर चुन के मेजर पार्टनर बन के अकेली सेक्शन 8 कंपनी चला सकती है इसमें सेक्शन 8 कंपनी में आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में करवाते हैं तो पल्लवी नहीं पल्लव पल्लव का मन है फर्स्ट लीव जब आप कोई भी काम करते हो तो पहला पान जो डाल पे फूटता है उसको पल्लव बोलते हैं इंडिया माने हमारा भारत
यूनाइटेड हम सब संगठन, वी विल वर्क टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर, इस सोच के साथ पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड, प्रिंस फॉर्च्यून कंपनी दोनों की शुरुआत हुई। पी एस परिहार जी, किचन डेकोर एक्सपर्ट कह सकती हूँ, तो किचन डेकोर के बारे में बताएं। देखिए बेसिक वर्किंग जो है हमारा वो इंटीरियर एक्सटीरियर आर्किटेक्चर इससे रिलेटेड है पूरा, और कंप्लीट होम इंटीरियर का हम लोग वर्किंग करते हैं, तो रसोई भी उसका एक पार्ट है कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ हर्ट ऑफ होम। तो रसोई तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज की डेट में उसकी डिमांड भी है, लोग चाहते हैं कि हम उसमें अच्छा एक डेकोरेशन करके दें, महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय उसी में निकलता है, तो हम लोग बेडरूम किचन रसोई सब में काम करते हैं। जरा मैं हेल्थ सेक्टर की ओर बढ़ूं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और कैंसर जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, आज की जीवन शैली, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, उसमें किस तरह से आप देखते हैं इसकी जटिलताओं को? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंसर है जिसमें 30% कैंसर प्रिवेंटेबल है, तो जैसे आपने बोला कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है, अगर हम अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, हेल्थी डाइट खाएं, वेट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने में फाइबर रिच डाइट लें, रेड मीट कम लें, मोटापा से बचें और अल्कोहल और टोबैको को कम्प्लीटली बंद कर दें, तो 30% कैंसरों को होने से ही हम बचा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, और हमारे अगले पैनल में मैथ्स यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार हैं गोकुलानंद पंडा जी, डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी को प्लीज सर स्टेज पर आ जाएं, सीएमजी हैं ग्लोबल वन बॉल के डॉक्टर श्रेयांश रेड्डी जी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बालको मेडिकल सेंटर। सबसे पहले सर गोकुलानंद पंडा जी आपके पास मैं आऊंगी, मैथ्स यूनिवर्सिटी के बारे में पहले विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। छत्तीसगढ़ में अभी शानदार 17 साल की हमारा अनुभव रहा है। जब छत्तीसगढ़ नया पहले एक स्टेट बना तब हायर एजुकेशन में इतनी रुचि लोगों की नहीं था, लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, बम्बई दिल्ली कलकत्ता जितने लोग जाते थे। आज भी हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, और मैथ्स यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम 2017 साल से यहाँ पे हैं, ओवर 1 लाख स्टूडेंट्स को हम पास आउट करा चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एंड दे आर गेटिंग एम्प्लॉयड, इंडिया में है और बाहर में भी है, तो एक बहुत अच्छा सफर हमारा हुआ है अभी तक। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, ग्लोबल वन वर्ल्ड किस तरह से कार्य कर रहा है? ग्लोबल वन वर्ल्ड रियल इस्टेट में बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक कंसल्टेंट है जो डेवलपर और सेल्स कंसल्टेंसी के बिहाव पर वर्क करती है। लगातार ग्लोबल वन वर्ल्ड को काम करते हुए आज 18 साल पूरे हो चुके हैं, 2006 से नॉन स्टॉप वर्किंग है, और इस ग्लोबल वन वर्ल्ड के माध्यम से जब इसका काम प्रारंभ हुआ और रायपुर राजधानी होने के नाते इसे बहुत ज़्यादा इसका फायदा भी मिला, और जो रायपुर आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले था, आज 2024 में जब हम बात करते हैं तो ये महानगरों से अपने आप को कंपेयर करता है। डॉक्टर श्रेयांश रेड्डी हमारे बीच मौजूद हैं, बालको मेडिकल सेंटर। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि कैंसर अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम आउटरीच ओपीडीज हो, बेसिकली वी टारगेट एमपी हो, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स गो एंड हैव ओपीडी, जो मंथली विजिट्स होते हैं। उसके अलावा वी डू कैंप्स, कैंप्स में भी हमारे पास एक कैंसर वैन है। कैंसर वैन में क्या होता है, लाइक सबको पता होगा कि स्क्रीनिंग एक मोडालिटी है जिससे कैंसर को अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, तो उसमें महिलाओं के लिए स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राम सही और सर्वाइकल कैंसर्स के लिए पैप्समियर है। तो हमारे पास जो कैंसर वैन है उसमें इनबिल्ट इन डिजिटल मैमोग्राम और पैप्समियर और ओरल स्क्रीनिंग करने की सुविधा है। स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी
अनूपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर निकेश बाडिया जी को, रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर अम्बुल, साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मिस्टर रजत श्रीवास्तव जी को, आईफोन सोलो के हेड मार्केटिंग है। निकेश बरडिया जी, सबसे पहले आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगी। अनूपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स की अगर हम बात करें, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने नए जनरेशन का किस तरह से ख्याल रखते हैं, तो उनको सोचकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? एटी ग्रुप जो है करीब 66 ईयर्स से हमारी संस्था है और आज ये ग्रुप का फॉर्म हो चुका है। ये हमारी थर्ड जनरेशन इस बिजनेस में आई है और हमारे दादाजी ने इस बिज़नेस की नींव रखी थी और समय समय पे जिस तरह से बदलाव होते गए इंडस्ट्री में, हमने उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट किया और साथ ही साथ नए इनोवेशंस भी अपने बिजनेस में हमने किए, जिसके कारण हमेशा यूथ की हम हमेशा पसंद बने हुए रहे और आज भी हैं। मिस्टर अंबुज, आपसे मैं जानना चाहूँगी रामा उद्योग के बारे में कुछ बताएं। रामा इज़ अ 25 ईयर ओल्ड ग्रुप फ्रॉम सतना, इट्स नॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़, स्टार्टेड इन सतना। हमने छत्तीसगढ़ में एंट्री किया 2012 में, तो हमने जो फर्स्ट स्टील प्लांट टेक ओवर किया था वो था सिक प्लांट, जो प्लांट काफ़ी दिनों से बंद था, वो चल नहीं पा रहा था। तो किसी भी सिक प्लांट को स्टार्ट करने में शहर लॉट मैनी चैलेंजेस, और जब आप किसी नए शहर में आते हैं, किसी नए स्टेट में आते हैं, देर लॉट मैनी एंट्री बैरियर्स, तो उसको ओवरकम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और आई थिंक रामा ने बहुत ही अच्छा अपना नाम बनाया है स्टील के सेक्टर में आज के डेट में। देन वी हमने एक और प्लांट टेक ओवर किया, रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड विच यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। रामा उद्योग को हमने 2017 में टेक ओवर किया, उस समय हमारे साथ पार्टनर मिस्टर पंकज सुमानी जी ने ज्वाइन किया हमारे साथ, तो उससे हमको बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला, बहुत ही हमारी प्रोडक्शन ग्रो की। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली हम 5 लाख टन्स ऑफ स्टील हम एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। रजत जी, आपसे जानना चाहूंगी आइकन सोलर की जर्नी के बारे में हमें बताएं। आइकन सोलर एंड पावर टेक्नोलॉजीज 2014 की शुरुआत है और छत्तीसगढ़ से ये कंपनी स्टार्ट हुई है। हमारी अभी 2 यूनिट्स हैं। हमने जब शुरू किया था इसको तो काफ़ी एक छोटे प्रोडक्शन स्केल की तरह शुरू किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो हमारा प्रोडक्शन है वो वेल सेल्फ सफिशियंट हो गया है कि हम पैन इंडिया में सप्लाई करें, पूरे इंडिया की ज़रूरतों को लगभग हम पूरा करेंगे अभी। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जय हिंद एग्रो के डायरेक्टर अर्जुन ठाकुर जी को, और इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मोहम्मद आबिद सूर्या जी को। क्लासिक ग्रुप के प्रमोटर हैं मोहम्मद आबिद सूर्या जी। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी मोहम्मद आबिद सूर्या जी, रियल स्टेट के क्षेत्र में नई चुनौतियों और अवसर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो उसमें कभी भी नई चुनौतियां नहीं होती, बिजनेस डेली एक चुनौती है। हाँ, ये है कि रेरा के आने के बाद अवसर हमारे लिए बहुत बढ़ गए हैं, खासकर वो बिल्डर्स जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उनके लिए अवसर बहुत अच्छे हैं। और अगर आप देखेंगी तो खासकर पोस्ट कोविड जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आया, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम बिल्डर्स के लिए। अर्जुन ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूँगी जय हिंद एग्रो किस तरह से कार्य कर रहा है? हमारा जो एग्रीकल्चर का है जय हिंद ग्रुप ऑफ कंपनीज में जय हिंद एग्रो इंडस्ट्रीज, ये 2012 से हम स्टार्ट किए हैं भाटापारा से, और अभी हमारे 6 अलग अलग ब्रांच है। रायपुर में हमारा एक हेड ऑफिस है, रायपुर से हम सब जगह संचालित कर रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर में ये है कि सबसे पहले किसानों को बहुत चुनौतियाँ हैं, पहले कैसे कर रहे थे एग्रीकल्चर का काम, अभी कैसे करना है, उत्पादन बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम सारी आधुनिक तकनीकों के द्वारा ही ऐसा करते हैं कि किसान को उनकी सहूलियत के हिसाब से मशीनें मिले और पूरा ज्यादातर मैकेनाइज हो। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। न्यूज 18 बिजनेस छत्तीसगढ़ में वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। भाग्यश्री जी, आपके आने से इस महफिल में 4 चांद लग गए हैं, और अब जब मौका भी है और दस्तूर भी तो फिर इंतजार कैसा। जी हाँ, अब बारी है आज की आखिरी सेशन की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके लिए मैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से मंच पर आने का अनुरोध करूंगी, और भाग्यश्री जी प्लीज आप भी मंच पर आए और इस चर्चा में शामिल हो।
भाग्यश्री जी, रायपुर आप आती रही हैं, कैसा लगता है, क्या रायपुर को लेकर आपकी मन में इमेज है? रायपुर तो मैं ये सिर्फ दूसरी बार आई हूँ, पर इच्छा थी कि रायपुर देख सकूं। रायपुर नहीं देखी, लेकिन छत्तीसगढ़ में घूमी हूँ, बस्तर गई हूँ, चित्रकूट गई हूँ, वहाँ के वाटरफॉल्स देखे हैं और बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। इनफैक्ट हम वापस जाके जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आके शूटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल अनटच्ड लोकेशंस मिल जाएंगे जो इतनी खूबसूरत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बहुत बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे थे। आपके नाम में भाग्य भी है और श्री भी है, तो आप मानती हैं कि आपका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया है, और भाग्य का कितना साथ आपके करियर में, लाइफ में रहा है? ये एक्चुअली मुझे मेरे मम्मी और पापा से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सोच के ये नाम रखा है, पर मैं ये सोचूंगी कि मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस मैंने ऐसे लिए हैं, वेरी डिफरेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, और भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बहुत कम लोग जानते भी हैं कि आप राज परिवार से हैं, सांगली की राजकुमारी जी, राज परिवार में रहना, और जब आप रोल आपने किया बिल्कुल मिडिल क्लास लड़की का, सुमन का, कैसे इस रोल को आपने निभाया? जी, राजकुमारी का ये भी कर्तव्य होता है कि जो हम प्रजा मानी जाती है उनके दिल में बस जाए, उनके दुख सुख में साथ दे और उनकी समस्याएं को समझे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिस स्तर पर है उससे हम लोगों को नीचा होके दिखाए, तो आई थिंक दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। राजकुमारी तो थी ही आप, और फिल्में भी आपके पास आ रही थी, बड़ी सक्सेस भी आपके पास थी, लेकिन आपने राजकुमार भी चुन के रखा हुआ था उस दौरान ही। कैसे अपने राजकुमार को आपने चुना था और कैसे वहाँ तक पहुँची फिर आप? क्या कोई स्ट्रगल रहा, इसके पीछे भी कोई संघर्ष था? मेरे दिल के राजकुमार तक पहुँचने वाला संघर्ष बहुत ही कठिन था, क्योंकि माँ बाप नहीं मान रहे थे। इनफैक्ट वो मेरी शादी तक पर नहीं आए, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ डिसीजंस मैं लेती हूँ जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो शायद लोग नहीं ले पाते या डिफ़िकल्ट टाइम से मुड़ के वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं जब कोई डिसीजन लेती हूँ तो हाँ, मैं मेरी अपनी भी नहीं सुनती हूँ। बहुत सारे आपके रोल हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, न्यूट्रिशन भी हैं, और आप लोगों को लगातार हेल्थ टिप्स भी देती हैं, बहुत सारी भूमिकाओं के बीच में। आपका क्या कोई ड्रीम रोल है जिसको आप करना चाहती हैं रियल लाइफ, रियल लाइफ में? ड्रीम रोल, अब तो मैं ये कहूँगी कि इतने सारे माध्यम हैं, स्टेज है, टीवी है, वेब शोज़ हैं, फिल्में हैं, तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने काम फिर से शुरू किया है, तो मैं चाहूँगी कि हर एक माध्यम में कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा किरदार निभाऊं जहां लोगों के दिलों में एक बार फिर से बस जाऊं। हमने सुना है कि भाग्यश्री गाती भी बहुत अच्छा है, और अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। न्यूज़ 18 के मंच पे शायद पिछली बार आपने कुछ गुनगुनाया भी था, मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोग उस चीज को फिर से सुनना चाहेंगे। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, हाँ ये पगला है समझाने से समझे ना। वाह क्या बात है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी और अभिषेक जी। और रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से कि मंच पर आप बने रहें, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब हम अपने पार्टनर्स का सम्मान करेंगे। और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर अंबुज को, जो रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड से हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद आबिद सूर्या जी को, प्रमोटर हैं क्लासिक ग्रुप के, प्लीज मंच पर आए। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा एंड टीम को, पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड से।
Tiwari Switch Soul Systems and Services, OPC Private Limited, के director. इसके साथ ही Max University के registrar गोकुलानंद पंडा जी, अमित दुबे जी, COO, वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. इसके साथ ही हमारे बीच अनुपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर निकेश बरड़िया भी मौजूद हैं. और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर हरीश मंत्री जी को, श्री शिवम अटायर्स प्राइवेट लिमिटेड से हमारे बीच मौजूद हैं. आईकॉन सोलो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर शक्ति कुमार दुबे डायरेक्टर हैं. मैं बुलाना चाहूंगी ग्लोबल वन वर्ल्ड से मिस्टर आशीष कुमार जैन जी को, सीएमडी हैं ग्लोबल वन वर्ल्ड के. वाल्को मेडिकल सेंटर से मिस्टर विपेंद्र सिंह राजपूत, हेड मार्केटिंग एंड पीआर हैं डॉक्टर श्रीयश रेड्डी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रवण नंदकर्णी, कैंसर सर्जन. संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन से संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल टीम, डॉक्टर केदारनाथ देवांगन डायरेक्टर वृंदा चेस्ट क्लिनिक, इंजीनियर बीएस परिहार डायरेक्टर केडी ग्रुप ऑफ कंपनी, मिस्टर अभिषेक सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, मिस्टर अर्जुन ठाकुर डायरेक्टर जय हिंद एग्रो, मिस्टर सुयश शर्मा डायरेक्टर ट्यूटर्स फैक्ट्री, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सीनियर हेड सर्जन, भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन से हमारे बीच हैं गोविंद जी, भाग्यश्री जी, इमेंस प्लेजर टू हैव यू एज गेस्ट ऑफ ऑनर दिस इवनिंग. अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस से हमारे इवेंट में चार चांद लगाने के लिए दिल से शुक्रिया. नाउ दिस इज योर होस्ट सिरांधा शेखर साइनिंग ऑफ.